गुड मॉर्निंग क्लास. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ चैप्टर नंबर 6. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अनवांटेड गेस्ट. अनवांटेड मीन्स अनचाहा, गेस्ट मीन्स मेहमान. घर पर कोई बिना बुलाए आ जाए या कैसे भी हो, दैट इज मतलब वो अनवांटेड गेस्ट हो गया, बिना बुलाया या बिना अनचाहा मेहमान. ठीक है, अबाउट द चैप्टर देख लेते हैं. जो ये चैप्टर है वो एक प्ले है. प्ले मीन्स होता है नाटक. ठीक है, दिस प्ले इज बेस्ड ऑन साकीज स्टोरी द मिरेकल मर्चेंट. साकी जो है इस चैप्टर का जो ऑथर है, लेखक है, उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. तो उनका जो पेन नेम है, मतलब जो ऑथर जिस नाम से कोई चीज़ लिखते हैं उसको उनका पेन नेम बोला जाता है, तो वो साकी के नाम से लिखते हैं. इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो ये प्ले है ये साकी की जो स्टोरी है जिसका नाम है द मिरेकल मर्चेंट, यानी जादुई व्यापारी, उसी पर बेस्ड है. However, keeping in mind the restrictions of a stage setting, कि फिर भी जैसे भी स्टेज सेटिंग की जो रेस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, जो उसकी सीमाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सर्टेन लिबर्टीज हैव बिन टेकन विद द टेक्स्ट. कि टेक्स्ट को, कि किसी चीज़ को लिखते हुए फिर भी बहुत सारी स्वतंत्रता जो है वो उसका उपयोग किया गया है. ठीक है, टू फ्रेंड्स ऑफ हिज मदर. हिज मीन्स, अभी नाम नहीं बताया है किसी का भी, कि एक पर्सन है उसकी माता का यहाँ पर बताया जा रहा है उनके बारे में, कि दो जो हैं उनकी मम्मी की जो फ्रेंड्स हैं, हु डू नॉट सी आई टू आई, मतलब जो एक दूसरे से किसी भी ओपिनियन पर अग्री नहीं करती हैं, लड़ती रहती हैं, मतलब हमेशा, आर शेड्यूल्ड टू बी एट देयर कंट्री हाउस एट द सेम टाइम. वो एक ही टाइम पर उनके कंट्री हाउस पर आ रही हैं, उनके बड़े से घर पर आ रही हैं. सो क्लोविस द सन ऑफ मिसिज बोविजल. जो क्लोविस है, अब जिसके बारे में ऊपर बात हो रही थी ना, जिनकी मम्मी के बारे में बात हो रही थी, उन्हीं के, उसी का नाम है क्लोविस और उसकी मम्मी का नाम जो कि बोविजल है. टेक्स अपॉन हिमसेल्फ टू टास्क टेकलिंग अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर हिज मदर. की वो अब आगे इसी प्ले में किस तरह से उसने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक योजना बनाई है. देयर ओल्ड ट्रस्टेड बटलर, उनका जो पुराना ट्रस्टेड जो बटलर है, उनका सेवक है जिस पर विश्वास कर सकते हैं, वो प्ले अ स्टेलर रोल इन द एंटायर एक्ट. इस पूरे प्ले में, पूरे नाटक में वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है. एल्बेट विदाउट बींग टोल्ड ऑफ एक्चुअल सिचुएशन, जबकि उसको पूरी सिचुएशन का भी पता नहीं है. तो लेसन स्टार्ट करने से पहले करेक्टर्स देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से करेक्टर्स हैं, क्या क्या नेम्स हैं उनके. रीड थ्रू दिस ह्यूमरस अकाउंट ऑफ हाउ इंटेलिजेंटली क्लोविस हैंडल द होल सिचुएशन. लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक हंसी जैसी सिचुएशन बन जाती है इसमें, कि किस बुद्धिमत्ता से क्लोविस ने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया. करेक्टर्स जो हैं इसमें, फर्स्ट जो करेक्टर है इसमें है मिसिज बोविजल. क्लोविस जो है मिसिज बोविजल का सन है. स्टरिज जो है वो बटलर है, उनका नौकर है. और जेन मार्टलेट मिसिज बोविजल्स गेस्ट, जो कि आने वाली है मिसिज बोविजल के घर पर, वो गेस्ट का नेम है. अब जो सीन है, फर्स्ट सीन, वो कहाँ से शुरू हो रहा है. डाइनिंग रूम इन द मिसिज बोविजल कंट्री हाउस, की मिसिज बोविजल के कंट्री हाउस का डाइनिंग रूम है. मिसिज बोविजल इज सीटेड एट द टेबल. मिसिज बोविजल जो है वो एक टेबल पर बैठी हुई है. शी इज़ हैविंग हर ब्रेकफास्ट, वो अपना सुबह का जो नाश्ता है वो ले रही है. एंटर क्लोविस, तो उस टाइम क्लोविस जो है वो अंदर आता है. मिसिज बोविजल जो है वो पूछती है उससे, आई हैव जस्ट हैड अ लेटर फ्रॉम डोरा बिथॉल्स टू से शी इज़ कमिंग ऑन थर्सडे, कि मेरे पास अभी एक लेटर आया है डोरा बिथोल्स की तरफ से, जो कि बोल रही है कि वो थर्सडे में यहाँ पर आ रही है. क्लोविस आगे क्या बोलता है, दिस नेक्स्ट थर्सडे इजंट इट रैदर अकवर्ड, कि इस आने वाले थर्सडे को वो आ रही हैं, गुरुवार को आ रही हैं, क्या ये अजीब नहीं है. तो मिसिज बोविजल बोलती हैं, वाई अकवर्ड, कि अजीब क्यों है ये. तो क्लोविस उनको आगे बताता है, जेन मार्टलेट हैज़ ओनली बीन हेयर 5 days, कि जेन मार्टलेट को यहाँ पर आए हुए अभी 5 ही दिन हुए हैं. एंड शी नेवर स्टेज लेस देन अ 4 night. 4 night बोलते हैं 15 दिन के टाइम को, कि वो 15 दिन से कम तो यहाँ पर रहती नहीं है. हाउ विल नेवर गेट हर आउट,
ऑफ द हाउस बाय थर्सडे, तो वो थर्सडे तक इस घर से बाहर कैसे चली जाएंगी? 15 दिन तक तो वो रहती ही रहती हैं, तो थर्सडे तक वो कैसे चली जाएंगी यहाँ से? तो मिसेस बॉविजल बोलती हैं, वाई शुड आई, तो मैं क्यों, मुझे क्या करना चाहिए या फिर मैं क्या करूँ? शी एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स aren't they? वो और डोरा जो है वो बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, क्या वो नहीं हैं? दे यूज़ टू बी, कि वो हुआ करती थी अच्छी सहेलियाँ। नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो क्लोविस जो है वो आगे बोलता है, दे यूज़ टू बी, वो अच्छी सहेलियाँ हुआ करती थी, यानी कि अब वो अच्छी सहेलियाँ नहीं हैं। दैट्स व्हाट्स मेक देम सच बिटर एनिमीज नाउ, कि कुछ ऐसा है जिसने उनको अब बहुत बुरे शत्रु बना दिया है, बुरे एनिमीज बना दिया है। मिसेस बॉविजल उनसे अब कह रही हैं, बट व्हाट हैज़ हैपन, कि ऐसा क्या हुआ है? व्हाट हैड दे क्वारल अबाउट, कि उनका झगड़ा किस बात का है? क्लोविस आगे उनको बताता है, अ हैन, कि यानी एक मुर्गी पर उनका झगड़ा हो रहा है। मिसेस बॉविजल बोल आगे कहती हैं, अ हैन, व्हाट हैन, कि एक मुर्गी पर, क्या मुर्गी, मतलब क्या मामला है, वो क्लोविस से पूछ रही हैं। तो क्लोविस जो है वो उनको आगे बताता है, इट वॉज़ अ ब्रॉन्ज लेग हॉर्न और सम सच ब्रीड, कि ये ब्रॉन्ज लेग हॉर्न जो ये है, ये एक टाइप जो मुर्गी है उसकी ब्रीड का नेम है। तो वो आगे बता रहा है कि या तो वो ब्रॉन्ज लेग हॉर्न है या फिर उसी टाइप की किसी प्रजाति की कोई मुर्गी है। एंड डोरा सोल्ड इट टू जैन एट अ रेदर हाई प्राइस, तो डोरा ने क्या किया, जैन को वो मुर्गी कुछ ऊंचे दामों पर बेच दी। आगे है मिसेस बॉविजल आगे बोलती है, इफ जैन एग्रीड टू द प्राइस आई डोंट सी व्हाट देयर वाज टू क्वारल अबाउट, वो कहती है कि अगर जैन उस पैसे को देने के लिए मान गई, उतना प्राइस पे करने को मान गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें झगड़े वाली कोई भी बात है। तो उसको आगे क्लोविस बताता है, वेल यू सी इट टर्न आउट द बर्ड वुड नॉट ले एग, कि अब क्या हुआ, आगे झगड़ा किस बात का था, वो ये बता रहा है कि जो उसने बर्ड ली थी ना, आगे उसको ये पता चलता है कि वो एग्स नहीं देगी, अंडे नहीं देगी। एंड आई एम टोल्ड दैट द लेटर्स विच पास बिटवीन द टू वुमेन वर एक्सट्रीमली र्यूड, और मुझे ये बताया गया कि वो जो उनके बीच में बातचीत हुई या जो उनके बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने जो भी उसमें वर्ड्स यूज किए वो बहुत ज़्यादा र्यूड थे, वो अच्छे नहीं थे। मिसेस बॉविजल आगे बोलती है, हाउ रिडिकुलस, कितना बुरी बात है, कुड नॉट सम ऑफ देयर फ्रेंड्स गेट देम द एंड द क्वेरल, कि किसी फ्रेंड ने कोशिश नहीं करी कि वो उनका जो क्वेरल है उसको कम कर पाए या उसका एंड करा पाए। क्लोविस आगे बोलता है, पीपल ट्राइड, जेने वॉज विलिंग टू टेक बैक सम ऑफ हर मोस्ट इंसल्टिंग रिमार्क्स इफ डोरा वुड टेक बैक द हैन, पीपल ने कोशिश करी, लोगों ने कोशिश करी, और जैन जो थी वो ट्राई भी कर रही थी, वो चाह भी रही थी कि उसने जितने भी इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए हैं ना, जितना कुछ भी वो गंदा बोली है, वो सब चीज़ वापस ले लेगी अगर डोरा अपनी हैन को, अगर अपनी डोरा जो है वो अपनी मुर्गी को वापस ले ले। तो मिसेस बॉविजल आगे बोलती है, एंड डिड शी, तो क्या डोरा ने मुर्गी वापस ली? तो क्लोविस उसको बोलता है, नो, नहीं, शी सैड दैट वुड बी एडमिटिंग शी वॉज इन द रोंग एंड डोरा वुड नेवर डू दैट, तो उसने कहा कि डोरा अगर ये कर लेती तो ये तो प्रूव हो जाता कि डोरा गलत है, तो डोरा इसको ऐसा कभी भी नहीं करेगी, वो अपनी मुर्गी कभी भी वापस नहीं लेगी। तो मिसेस बॉविजल आगे बोल रही है, हैविंग बोथ ऑफ देम हेयर वुड बी अ मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन, कि उन दोनों को का यहाँ पर होना तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर। डू यू सपोज दे वॉन्ट स्पीक टू ईच अदर, कि क्या आप ये सोचते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात ही ना करें? आगे क्लोविस क्या बोलता है, ऑन द कंट्रेरी द डिफिकल्टी विल बी गेट्स देम टू स्टॉप स्पीकिंग, कि ऐसा तो होने से रहा, डिफ़िकल्टी तो इस बात की होगी कि अगर वो बोल रही हैं तो उनको चुप कैसे कराया जाए। बेटे आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जब जैन और डोरा यहाँ पर आ जाएंगी तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्लोविस उसको कैसे हैंडल करेगा, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे। थैंक यू।